हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जा रहा है उसमें श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। यहां दोस्तों बता दें कि एकदम कुटाई करके रख दी है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर्स हो। यहां दोस्तों बता दें कि दोनों के बीच कमाल का पार्टनरशिप हुई है, तो इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा दूसरा ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ जल्द ही आउट हो गए। इसके वजह से टीम इंडिया थोड़ा बहुत दबाव में आ गई थी, लेकिन यह दबाव जल्द ही खत्म हो गया क्योंकि श्रेयस अय्यर शुरू से ही बेहद ही विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। और इसके बाद जब शुभमन गिल इनके साथ दिए तो टीम इंडिया बेहद ही तेज रफ्तार से रन बनाने लगी और टीम इंडिया तो एक वक्त बेहतरीन स्कोर की ओर बढ़ने लगी। तो बात करें श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच कुल 200 रनों का साझेदारी हुआ 166 बॉलों में। जहां दोस्तों बता दी कि यह पार्टनरशिप कमाल का पार्टनरशिप था। बात करें वहीं श्रेयस अय्यर ने जहां शतक लगाए तो शुभमन गिल ने भी शतक लगाया। श्रेयस अय्यर ने जहां 105 रन बनाए तो वहीं बता दी कि शुभमन गिल ने 104 रन बनाए। तो बात करें श्रेयस अय्यर की पूरी पारी के तो दोस्तों बता दी कि 105 रन बनाए 90 बॉलों में, जिनमें 11 चौके और 3 छक्का था। जहां दोस्तों स्ट्राइक रेट 117 के आसपास था जो कमाल का था। वहीं बात करें हम शुभमन गिल का तो 104 रन बनाए 97 बॉलों में, जिनमें 6 चौके और 4 छक्के थे और 107 का स्ट्राइक रेट हुआ था। जहां दोस्तों बता दें कि शुभमन गिल जो कि ग्रीन के बॉल पर आउट हुए, तो वहीं बता दें कि श्रेयस अय्यर जो कि एबॉट के बॉल पर आउट हुए और जब तक यह आउट हुए तब तक टीम इंडिया को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिए, जहां से टीम इंडिया एक बेहतरीन स्कोर की ओर आगे बढ़ गई। तो दोस्तों आपको श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की यह धमाकेदार पारी कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर साबित होंगे या नहीं, और क्या शुभमन गिल यही परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कर पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या राय। तब तक मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।